हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप एवरीवन फाइन एट द होम। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम एंड स्टोरी सम बोथ आर सेम। हम चाहे वर्ड प्रॉब्लम बोलें चाहे हम स्टोरी सम बोलें, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, नाउ दिस इज द एक्टिविटी नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम। आई एम स्टार्ट रीडिंग। My school library has 8,735 books. Out of these, 2,731 are in Hindi and there are in English. How many books are there in English? हमारे पास टोटल बुक्स जो हैं वो हैं हमारे पास 8,735। उसमें से 2,731 बुक्स जो हैं वो हमारी हिंदी की हैं। तो हाउ मैनी बुक्स आर देयर फॉर द इंग्लिश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स, उसमें से वन टाइप की हमको दी है और सेकंड टाइप की हमको फाइंड आउट करनी है। मान लो आपके घर में बहुत सारे बुक्स हो हिंदी और इंग्लिश की, और मम्मा आपको बोले कि आप मुझे इसमें से हिंदी की बुक, तो मुझे पता है कि उसमें 50 है, बट इंग्लिश की कितनी है वो मुझे बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, पहले टोटल बुक्स काउंट करोगे, उसमें से मम्मी ने आपको हिंदी का नंबर दे दिया है तो उसे आप हटा दो कि हिंदी की इतनी बुक्स होंगी, निकाल दो। तो जो बच गई वो इंग्लिश की बुक्स हुई। हमें फिर उसके लिए उसके अंदर से इंग्लिश की बुक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम इज़ हियर, टोटल बुक्स 8,735, हिंदी बुक्स 2,731, जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ 5 - 1 = 4, 3 - 3 = 0, 7 - 7 = 0 एंड 8 - 2 = 6। सो आवर आंसर इज 6,004। सो नाउ थस देर आर 6,004 बुक्स इन इंग्लिश। अंडरस्टूड, आया सबको समझ में? ये फर्स्ट सम था जो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। अब इसके बाद के जो सम्स हैं वो मैं आपको नोटबुक में चेक करके बताती हूँ कैसे हमें सॉल्व करना है। सेम एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 6। ए बी सी मोटर्स सेल्स अ टोटल ऑफ 3,882 मारुति एंड युंडे कार्स अ ईयर। इफ द नंबर ऑफ मारुति कार्स सोल्ड इज 1,795, फाइंड द नंबर ऑफ युंडे कार्स सोल्ड। टोटल हमारे पास कितनी है कार्स, 3,882, उसमें से हमारे पास जो मारुति कार हैं दो हज़ार 1,795। ओके, इतनी टोटल कार है, उसमें से इतनी कार हमारी मारुति है, तो हमारे पास युंडे कितनी होगी। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन लाइक दिस, 1,100 × 10 = 1। पहले सबको इस तरह लिखना है। जब आप ये सब नोटबुक में करोगे तो आप वीडियो में से देखकर करना कि वीडियो में मैंने कैसे सॉल्व किया। जैसे मैंने सॉल्व किया नोटबुक के अंदर वैसे ही आप सबको भी सॉल्व करने हैं, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टोटल कार्स 3,882 माइनस मारुति कार्स 1,795। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी गॉट 2,087। थस देयर आर 2,087 युंडे कार्स सोल्ड। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार दिया था, उसमें से हमने मारुति कार निकाल दी, तो जो हमारे पास बच गई
वो थी हमारी ह्युंडई कार्स। क्लियर, समझ में आ गया ना। नाउ आई स्टार्ट थर्ड वन। अ बेकरी सेल्स फ्रूट बंस। आउट ऑफ 2,500 बंस बेक्ड, 972 बंस हैव बीन सोल्ड ऑलरेडी। ये एक बेकरी की स्टोरी है। एक बेकरी है, जैसे हमारे यहाँ पर है ना मोरबी में डायमंड बेकरी, उसी तरह एक बेकरी है जिसके अंदर 2,500 बंस बनाए गए हैं। और जैसे ही उन्होंने इतने बंस बनाए, उसमें से 972 बंस सोल्ड हो गए। उसमें से 972 बंस सोल्ड हो गए। हाउ मैनी बंस आर लेफ्ट टू बी सोल्ड। जब इतने बंस सोल्ड हो चुके हैं, तब बेकरी में कितने रह गए? जो रह गए वो भी तो हमें सोल्ड करने हैं ना, तो वो कितने रह गए? तो जो भी चीज़ हमारे पास से जब भी जाती है, जब भी आप स्टोरी रीड करो तो उसमें देखो जो नंबर दिया गया है वो चीज़ हमारे पास आ रही है या जा रही है। इफ़ इट इज़ कम टू अस, अगर वो हमारे पास आ रही है तो हम उसमें करेंगे एडिशन। एंड इफ़ इट इज़ गोइंग फ्रॉम अस, अगर वो हमारे पास से जा रही है तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये सिंपल रूल है। जब भी आप स्टोरी सम सॉल्व करोगे तो स्टोरी को बहुत ध्यान से रीड करोगे, एक एक वर्ड उसमें आपको अपनी ओन लैंग्वेज में समझना है। व्हाट दे आस्क अस, ओके। फर्स्ट वी शुड राइट 1,000, 100, टेंस, वंस। नाउ टोटल बंस 2,500, सोल्ड बंस 972। नाउ 0-2 इज नॉट पॉसिबल, सो वंस बोरो फ्रॉम टेंस। नाउ हियर अगेन 0, सो टेंस बोरो फ्रॉम 100। 5 में से 1 जो यहाँ गया वो बन गया हमारा 10, और 5 ने 1 दिया, सो हियर रिमेनिंग 4। अब यहाँ पे 10 है, 10 ने 1 यहाँ पे दिया तो यहाँ आ गया 10, और 10 में से 1 गया तो यहाँ बच गया 9। नाउ दिस साइड 4-9 इज नॉट पॉसिबल, सो हंड्रेड्स बोरो फ्रॉम थाउजेंड्स। 2 में से 1 यहाँ गया तो 1, 4, 14, और 2 का भी 4 नंबर आ गया यहाँ पे 1। जब भी आप कोई सम करोगे तो सबसे पहले यू शुड कंप्लीट दिस थिंग। सबसे पहले आपको ऊपर बोरोइंग का जितना भी वर्क है वो कंप्लीट करोगे, देन यू स्टार्ट काउंटिंग। नाउ 10-2, 8, 9-7, 2, 14-9, 5, एंड 1 एज इट इज़। सो द आंसर इज थस देर आर 1,528 बंस लेफ्ट टू बी सोल्ड, यानी सोल्ड होने बाकी हैं। अब देखो हमने यहाँ पे कितने सम कर लिए, हमने सम 2 और 3, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 2 और 3 इज़ डन। अब हमारा बच गया है 4, 5 और 6। तो ये 3 सम आपको कहाँ करने हैं, जब ये 2 सम कंप्लीट हो जाएं तब आपको ये 3 सम अपने आप कंप्लीट करने हैं, जैसे भी आपको वर्क मिलता जाए वैसे, ओके। अब आया इसमें हमारा फन टाइम। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 2 सब्ट्रैक्शन के सम दिए हैं, बट वहाँ पे कुछ ब्लैंक बॉक्स भी दिए गए हैं जिसमें हमें अपने आप नंबर फिल करना है। याद रखना हमें इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ 8 में से क्या माइनस करें तो 4 मिलेगा, तो 8 में से 4 गया तो 4। अब 9 में से क्या माइनस करें, 4 मिलेगा, तो 9 में से 4 माइनस कर दो तो मिल गया 5। अब यहाँ 0, 0-7, 3, तो यहाँ 0 क्यों रखा, जिससे यहाँ से हम बोरो करें तो बने 10, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गया तो 2। वैसे ये दूसरा सम हमने किया है 6-3, 3, 1-2, हमें आंसर में 9 चाहिए। अब 9 किस में से आएगा, मैक्सिमम ऊपर बड़ा नंबर 9 रखें तो भी 9 में से 2 माइनस नहीं होगा, तो हमने छोटा नंबर रखा 1,
यहाँ से वन बोरो किया तो इलेवन, इलेवन माइनस टू नाइन, अब यहाँ बच गया थ्री, यहाँ पे बोरो किया थर्टीन, थर्टीन माइनस सिक्स सेवन, और फाइव माइनस थ्री टू। ओके, तो इस तरह से हम हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है एक्टिविटी नंबर सिक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। टुगेदर यानी साथ में। अब आपको एक ही सम के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पूछा जाएगा, तो आप कैसे पता चलेगा, ध्यान दो। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। फ्रॉम यानी में से, फ्रॉम द सम, सम का मतलब होता है एडिशन का आंसर। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, हमें सम किसका चाहिए, इसका और इसका, तो क्या मतलब हुआ कि हमें इन दोनों का एडिशन करना है, और उसका जो सम आएगा उसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सो नाउ 4172 प्लस 3456, इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिला 7628। ये हमारा बन गया सम, ये हमारा क्या बन गया, सम बन गया। अब उस सम में से हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, तो बोरो किया तो बना 12, 12 माइनस 6 6, 5 माइनस 5 0, एंड 7 माइनस 1 6। अब यहाँ क्या दिया है, रिमेंबर वी ऑलवेज ऐड फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट। जब भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम साथ में दिए जाएंगे तो फर्स्ट वी शुड ऐड एंड देन वी सब्ट्रैक्ट, पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये दी है एक्टिविटी नंबर 7, जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ नोटबुक में। इन द फर्स्ट लाइन यू शुड राइट एक्टिविटी 7। ओके, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। आपको मैंने बोला था रिमेंबर व्हाट थिंग्स, रिमेंबर फर्स्ट वी शुड ऐड एंड देन वी सब्ट्रैक्ट। सो वी शुड ऐड 3097 एंड 4723। व्हेन वी ऐड बोथ नंबर्स आंसर इज 7820 एंड दिस इज कॉल्ड सम, जो एडिशन का आंसर है वो। नाउ सब्ट्रैक्ट 1896 फ्रॉम द सम। हमें जो सम मिला उसमें से हमें इसे माइनस करना है। 1896, ये वाला सम आप अच्छी तरह देख लेना। वी गॉट द आंसर 5924। आई होप कि अभी तक आपको सब्ट्रैक्शन के सम समझ में आ चुके होंगे कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। द स्कूल ऑडिटोरियम इज फुल ऑफ 2500 पीपल। एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है, हॉल होता है जहाँ पे कोई फंक्शन होता है, कोई प्ले होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटोरियम। वहाँ पे 2500 पीपल हैं। आउट ऑफ दिस 2218 आर स्टूडेंट्स, उसमें से इतने स्टूडेंट्स हैं। 2017 आर पेरेंट्स, 217 पेरेंट्स हैं। एंड द रिमेनिंग आर टीचर्स, और बाकी जो बच गए वो टीचर्स हैं। हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। पूरा सब मैं फिर से बता रही हूँ। ऑडिटोरियम में टोटल 2500 पीपल हैं। पीपल का मतलब हुआ उसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स सब कुछ आ गया। पीपल का मतलब होता है लोग, फिर चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, कोई भी हो। उसमें से 2218 स्टूडेंट्स हैं, 217 पेरेंट्स हैं, और जो बच्चा है वो टीचर है। तो हमें टोटल नंबर में से
इन दो नंबर को माइनस करना पड़ेगा। जब इन दोनों को ही माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी शुड ऐड दिस बोथ नंबर्स, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस नंबर ऑफ पेरेंट्स, सो सम इज दिस। अब टोटल में से दोनों को जब ऐड किया तो हमको वो नंबर मिल गया कि टोटल पीपल में इतने लोग तो कौन है, स्टूडेंट और पेरेंट्स। नाउ सब्ट्रैक्ट सम फ्रॉम टोटल पीपल, तो 2500 में से 2435 माइनस किया सो वी गॉट 65। देर आर 65 टीचर्स इन ऑडिटोरियम। ओके, आया समझ में? अब हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं। 7920 persons विजिटेड द ज़ू ऑन द फर्स्ट थ्री डेज ऑफ अ वीक। इफ 3257 एंड 2469 persons विजिटेड द ज़ू ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली की मतलब होता है क्रम से, सीक्वेंस वाइज। जो फर्स्ट नंबर दिया है वो फर्स्ट डे का है, जो सेकंड नंबर दिया है वो सेकंड डे का है। हाउ मैनी पर्सन्स विजिटेड द ज़ू ऑन द थर्ड डे। अब फर्स्ट और सेकंड डे का दिया है और टोटल दिया है, तो फर्स्ट डे को हम ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट डे विजिटर दिस, सेकंड डे विजिटर दिस, सो द ग्रैंड टोटल ऑफ टू डेज इज 5726। अब टोटल जो हमारे पास आए थे वो थे 7920, उसमें से हम टू डेज के जब माइनस करेंगे सो वी गॉट द थर्ड डे विजिटर्स। सो वी गॉट द थर्ड डे विजिटर, 2194 विजिटर विजिट द ज़ू ऑन थर्ड डे। ओके, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह करना है, ध्यान से करना है। सब्ट्रैक्शन अनदर अप्रोच, जब आप लोग मेरा ऑनलाइन सेशन अटेंड करोगे तो उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख कर रखना, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 72। नाउ 31 का मतलब क्या हुआ, 30 + 1। नंबर को हमने टेंस और वंस के फॉर्मेट में एक्सपांड कर दिया। 72 में से 30 गया तो बचा 42, 42 माइनस 1 तो बचा 41। ओके, नंबर को आपको टेंस और वंस के फॉर्म में एक्सपांड करना है। 129 फ्रॉम 148, तो अब 129 जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसका एक्सपांड होगा। 120 + 9, 148 माइनस 120, 28 माइनस 9, सो आंसर इज 19। इसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन अनदर अप्रोच। अब यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी नंबर 8 के अंदर 6 सम दिए गए हैं जो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। एक्टिविटी नंबर 8, 48 माइनस 27, तो 48 माइनस 27 का मतलब हुआ 20 + 7। फर्स्ट 48 माइनस 20 का मतलब हुआ 28 और 28 माइनस 7 का मतलब हुआ 21। अगेन बता रही हूँ, हमें जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसका पहले हम करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म और फिर एक एक करके नंबर माइनस करेंगे। 20 माइनस किया तो 28 बचा, फिर 7 माइनस किया तो 21 बचा। एक्सपांडेड फॉर्म अगर 3 डिजिट है तो 100 टेंस और वंस के अकॉर्डिंग होगी, अगर 2 डिजिट है तो टेंस और वंस में होगी। 197 माइनस 38 का मतलब हुआ 30 + 8। जब 30 और 8 को ऐड करते हैं तो 38 बनता है। फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट 30 सो वी गॉट 167, देन वी सब्ट्रैक्ट 8 सो वी गॉट 159। थर्ड सम इज 71 माइनस 43, 43 मतलब 40 + 3, 71 माइनस 40 31, 31 माइनस 3 28। ओके, समझ में आया? तो आज हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइज इसके अंदर कवर की है, तो
तो ये वीडियो को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही शांति से देखोगे, अगेन और अगेन रिवाइंड करके देखोगे जो चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो वर्क आपको बताया गया है वो वर्क आप लोग करोगे, टेक्स्ट बुक का वर्क टेक्स्ट बुक में, नोटबुक का वर्क नोटबुक में। ओके स्टूडेंट, और अगर कोई क्वेरी रह जाए वीडियो देखते समय अगर आपको कोई क्वेरी रह जाए तो आप लोग क्या करोगे, मुझे कॉल करके या तो पूछ लेना और या तो फिर आप लोग ऑनलाइन सेशन में पूछना। आप लोगों को वीडियो भी देखना है और ऑनलाइन सेशन भी अटेंड करना है, तभी आप लोग ये सम समझ पाओगे। ओके, सो टिल देन बाय एवरीवन एंड एंजॉय योर डे।